क्या बिटकॉइन का बुल रन खत्म हो चुका है और क्या हमें बिटकॉइन एंड ऑल्ट कॉइन्स को सेल आउट करके बाहर निकल जाना चाहिए, और अगर मार्केट रिकवर करेगी तो कब तक रिकवर करेगी। अगर आपके भी यही सभी सवाल हैं तो इन सभी सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। मेरा नाम है सर, आप लोग देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। तो बहुत सारे लोगों के सवाल थे, बहुत सारे मेरे भाई पूछ रहे थे कि बिटकॉइन की हाल्विंग भी हो चुकी है असद भाई, और उसके साथ साथ यहाँ पे मार्केट जो है वो नीचे गिर रही है, आखिर इसके पीछे की रीजंस क्या हैं और मार्केट कब तक रिकवर कर सकती है, क्या बिटकॉइन का बुल रन खत्म हो चुका है, क्या बिटकॉइन ने नया ऑल टाइम हाई बना दिया, तो क्या अब इससे ऊपर जाएगा या फिर नहीं जाएगा। तो आपके सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, लाइक करने से मुझे पैसे तो नहीं मिलेंगे लेकिन मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहने के लिए। और अगर आप क्रिप्टो टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर पहली बार आया है ना, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिप्टो टीवी इंडिया चैनल का मकसद है आप लोगों तक क्रिप्टो की टेक्निकलिटीज को बिल्कुल आसान भाषा में पहुंचाने का। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर आप बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करें तो 50.2% है, एथेरियम की 16.1%, उसके बाद टोटल मार्केट कैप की बात करें तो 2.5 ट्रिलियन डॉलर की है, और बिटकॉइन के प्राइस की बात करें तो 63,412 डॉलर अभी करंट प्राइस चल रहा है, और उसके बाद इथेरियम के प्राइस की बात करें तो 3279 डॉलर अभी करंट प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी न्यूज एंड अपडेट्स हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जिनकी वजह से मार्केट जो है नीचे गिर रही है, उसके बाद मैं आपको पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताऊंगा जिसकी वजह से मार्केट नेक्स्ट मंथ से जो है रिकवर होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं जी यूएसए का। यूएसए की इकोनॉमी ग्रोथ है ना जो, वो बहुत कम हो चुकी है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड था, जो रिपोर्ट आई है कि 2.5% ग्रोथ आएगी, लेकिन जो ग्रोथ आई है ना वो सिर्फ 1.6% आई है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर डिक्लाइन आया, यूएसए का शेयर मार्केट नीचे गिरा। इंडिया के अंदर जो मर्जी न्यूज आ जाए, इतना बड़ा इंपैक्ट जो है हमें क्रिप्टो मार्केट के अंदर नहीं देखने को मिलता, लेकिन छोटी सी भी अगर कोई न्यूज यूएसए के अंदर आए तो उसका बड़ा इंपैक्ट जो है वो क्रिप्टो एंड बिटकॉइन के ऊपर हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ मिलती जुलती एक न्यूज है कि यहां पे 45% का जो कैपिटल गेन टैक्स है उसको 45% कर दिया गया है। पहले ये जो है 25-28% होता था। फॉर एग्जांपल, अगर आप जो है यूएसए के अंदर कैपिटल गेन टैक्स नेक्स्ट ईयर भरते हो तो अगर आपको $100 का प्रॉफिट हुआ है तो आपको $45 जो है वो गवर्नमेंट को देने होंगे एज अ टैक्स, लेकिन अगर आप इस साल प्रॉफिट बुक करते हो तो आपको 25-28 डॉलर ही देने होंगे। तो इस वजह से भी जो है लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और जिसकी वजह से मार्केट के अंदर हमें डिक्लाइन देखने को मिला, मार्केट नीचे जाती हुई दिखी हमें। और यहाँ पे तीसरी जो न्यूज है ना वो ये है कि यहाँ पे फेडिलिटी जो है वो बिटकॉइन को सेल कर रही है। बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो है वो बिटकॉइन को सेल कर रही हैं। और जो फोर्थ न्यूज है यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ पे ईरान एंड इसराइल का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से भी मार्केट के अंदर हमें उथल पुथल देखने को मिल रही है। तो ये तो हो गए नेगेटिव पॉइंट्स के मार्केट किस वजह से नीचे जा रही है और कब तक जो है मार्केट रिकवर करेगी। अब उसके बारे में बात करते हैं और पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम साथ साथ में बात कर लेते हैं एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के बारे में जिसको मैं पर्सनली यूज कर रहा हूं, और ये जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है इसने ₹35,000 का गिव अवे रखा है सिर्फ क्रिप्टो टीवी इंडिया कम्युनिटी के लिए एंड इंडियन यूजर्स के लिए। इस एक्सचेंज का नाम है बिटमार्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। 2017 से क्रिप्टो मार्केट के अंदर ये एक्टिव हैं, और यहां पे इनकी टैगलाइन अगर आप देखोगे, डिस्कवर नेक्स्ट एथेरियम, नेक्स्ट डॉज कॉइन, नेक्स्ट शिबा इनू, क्योंकि यहां पे जो ऑल्ट कॉइन्स है ना वो बहुत जल्दी लिस्ट हो जाते हैं, और यहाँ पे फ्यूचर्स एंड सपोर्ट ट्रेडिंग आपको सारी चीजें देखने को मिलती हैं। 2017 से मार्केट के अंदर है, 1500 प्लस क्रिप्टो करेंसीज हैं, 1,100+ फ्यूचर्स ट्रेडिंग के पेयर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। स्पॉट मार्जिन, फ्यूचर्स अर्न, NFT, API, इंस्टीट्यूशन बाय एंड सेल, ये सारी चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती हैं। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे 35,000 का जो गिव अवे है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आपको आखिर करना क्या होगा, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन अगर आप कर लोगे ना वहां पे भी डिटेल मिल जाएंगी। सबसे पहले आपने हमारे रेफरल लिंक के थ्रू साइन अप करना है जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्टली ऐप इंस्टॉल करते हो तो ये वाला जो स्मॉल में QCD कैपिटल Q7D जो रेफरल कोड है ये डालना है। आपने KYC2 जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। कोई भी क्रिप्टो $90 से ज्यादा अगर आप यहां पे डिपॉजिट करते हो 30 अप्रैल से ज्यादा और यहां पे ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हो तो 35,000 का जो प्राइस पूल है ना वो 20 इंडियन कम्युनिटी को मिलेगा, क्रिप्टो टीवी इंडिया कम्युनिटी मेंबर्स को। तो अभी के अभी जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। और यहां पे टेलीग्राम एक और रीजन है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेगा। यहां पे देखिए, जो हमने रात को एक फ्री ट्रेडिंग सिग्नल दिया था तो यहां पे देखिए, जस्ट अ सेकेंड मैं आप लोगों को बता देता हूं, रात को ट्रेडिंग सिग्नल दिया था और 150% से ज्यादा का प्रॉफिट जो है हम लोग बना चुके हैं। यहां पे अगर आप देखोगे ये वाला सिग्नल है,
160% का प्रॉफिट हो चुका है जीएफ को शॉर्ट करने के लिए बोला था यहाँ पे। तो ये देखिए, ये जो है जीएफटी को हम जीएफ जो है इसको बोला था हमने शॉर्ट करने के लिए, और 10x लेवरेज के साथ 160% का प्रॉफिट ऑलरेडी हमारे कम्युनिटी मेंबर्स को हो चुका है। तो अगर आप फ्री के सिग्नल्स मिस नहीं करना चाहते तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। अब जी हम चलते हैं दोबारा से यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड यार, ये डबल टैब ओपन हो गया। हम चलते हैं हाँ यहाँ पे, अब बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स की। नेगेटिव पॉइंट्स की तो हमने बात कर ली। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपको पता है हांगकांग के अंदर बिटकॉइन एंड इथेरियम के ETFs जो है वो अप्रूव हो चुके हैं। हांगकांग बिटकॉइन एंड ईथर ETF स्ट्रक्चर्स अनवील्ड बिफोर अप्रैल 30। हांगकांग बिटकॉइन एंड ईथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETFs विल ऑफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम देयर यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये 30 अप्रैल को जो है लॉन्च हो जाएंगी। 30 अप्रैल के बाद यहां से बाइंग एंड सेलिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। आपको पता ही है 80% तक OTC के ऊपर जो है मार्केट में सप्लाई खत्म हो चुकी है बिटकॉइन की जो यहां पे, तो एक बहुत बड़ा सप्लाई शॉक आने के चांसेस हैं। और यहां पे ये एक पॉजिटिव न्यूज है जिसकी वजह से इथेरियम एंड बिटकॉइन का प्राइस पंप करने वाला है। यहां पे इसके साथ एक और न्यूज है OTC के ऊपर। यहां पे अगर आप देखो कि ऑल टाइम लो के ऊपर चल रही है, 80% सप्लाई जो है OTC से खत्म हो चुकी है बिटकॉइन की, और यहां पे बहुत जल्दी एक सप्लाई शॉक हमें देखने को मिल सकता है जिसकी वजह से प्राइस के अंदर बहुत बड़ा पंप देखने को मिल सकता है। और यहां पे बायबिट एक बड़ी एक्सचेंज है, उसका ये मानना है कि यहां पे जो अभी करंट सिचुएशन है एक्सचेंजेस के पास बिटकॉइन जो पड़े हुए हैं वो सिर्फ 9 महीने की सप्लाई के भी पड़े हुए हैं, और OTC मार्केट के ऊपर ऑलरेडी 80% जो सप्लाई है वो खत्म हो चुकी है। तो लोग अब एक्सचेंजेस से बिटकॉइन बाय करेंगे तो उसकी वजह से भी बिटकॉइन का प्राइस स्काई रॉकेट हो सकता है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट की कि यहां पे बिटकॉइन का ETF जो है, यहाँ पे इथेरियम का जो ETF है, जो एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि इथेरियम का ETF यहाँ पे अप्रूव हो सकते हैं मई मंथ के अंदर। अगर आप देखोगे मेजर जो डेडलाइंस हैं वो यहाँ पे मई के अंदर है, तो मई के अंदर यहाँ पे इथेरियम का ETF अप्रूव होता हुआ दिख सकता है। तो अगर इथेरियम का ETF अप्रूव होता है मई मंथ के अंदर, तो यहाँ पे आपको पता ही है इथेरियम को फॉलो करते हैं सभी ऑल्ट कॉइन्स, तो मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा पंप हमें देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट अभी भी बुलिश है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म के अंदर हमें जो है टर्बुलेंस देखने को मिल सकता है, मार्केट अप डाउन होगी, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर यहाँ पे अभी बुल मार्केट थोड़ा सा भी स्टार्ट नहीं हुआ यार, घबराने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म का सोचिए, लॉन्ग टर्म का सोच के इन्वेस्टमेंट करिए और प्रॉफिट बनाइए। आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या प्राइस प्रेडिक्शन है बिटकॉइन को लेके, कमेंट करके जरूर बताइए। और आज की ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके वीडियो के रिलेटेड फीडबैक भी जरूर शेयर किया करें, क्योंकि आप लोग फीडबैक अगर शेयर करोगे तो मैं भी इंप्रूव कर पाऊंगा। कोई भी बंदा इस दुनिया के अंदर सब कुछ सीख के नहीं आता, और आप लोगों से मुझे सीखने को मिलेगा, जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। यही थी आज की ये वीडियो, यही बोलना था आप लोगों से कि क्रिप्टो मार्केट अभी भी बुलिश है और अभी बुल रन तो सही तरह से शुरू भी नहीं हुआ। थैंक यू वेरी मच अपना कीमती टाइम निकाल के वीडियो देखने के लिए। मेरा नाम है सर, आप देख रहे थे क्रिप्टो टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।